गैलरी में कपड़े डालने आई हूँ, कपड़े डाल भी रही हूँ। और इसको देखो सर, आओ चालू है, खेल रहा है। और देखें माशाल्लाह गुलाब आ चुका है झाड़ में, और मोगरे भी माशाल्लाह कितने सारे आए हैं। और ये मनी प्लांट भी है, तो अब इसको दूसरे प्लांट में लगाएंगे, महक के अबू ने इसमें लगा दिए। और पुदीना आया था, बाकी थोड़े ख़राब हो गए थे तो मैंने फेंक दी थी, तब इसको और अच्छे से कर देंगे। ये गुलाब तो देखो, ओहो मस्त एकदम, कितना प्यारा लग रहा है ना। अब इसको देखूंगी, और थोड़ा बड़ा हुआ तो ठीक, तो मैं निकाल के लगा लूंगी सर। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब, वेलकम हो गया आप लोगों का मुशब व्लॉग में। तो हमारी सुबह हो चुकी है और अभी इस वक्त हो रहे हैं 8:30 मॉर्निंग के। और सलाम करो मेरा। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाश्ता पानी हो चुका है हम लोग का, बस मैं जा रहा हूँ अभी काम पर, क्योंकि मैं आपसे जल्दी जाऊँगा थोड़ा सुबह। उठ तो जाता हूँ, आज का दिन सिर्फ नहीं, 7 बजे उठ तो जाता हूँ, पर ऐसा है ना कि टाइम नहीं एक्सपेंड कर पाता हूँ अपनी फैमिली में, तो इसके लिए मैं सुबह सुबह घर में ही रहता हूँ, लेट निकलता हूँ। तो चलिए फिर आज से इंशाल्लाह जल्दी जाऊँगा, क्योंकि शाम में जल्दी आ जा रहा हूँ। सुबह तो लेट जा रहा हूँ पर शाम में जल्दी आ। और मेरा गुड्डू है ना, मेरे को सता रहा है इतना कि उसको फटके दूंगा, अब बाहर जाने का बोल रहा है मेरे को लेके। मेरे बेटा माशाल्लाह इतना साफ है पर कैमरे में अलग दिखता है। माशाल्लाह। और इस पे देखो मलाई डाले तो घी आ गया। और माशाल्लाह हम लोग जो दूध ला रहे हैं ना, उसमें मलाई बहुत अच्छी मिल रही है। देखो ना आज सुबह के दूध में कितनी मलाई जमी, उसमें से भी अभी कितनी सारी इसमें डाल दी। अभी निकाल के, आज बाजी बोले घी निकाल के देंगे, लेके आना। एक बार देख लेना। हाँ मुझे आता नहीं ना, अभी जाके साथ में निकाल। तरीका अच्छा है, ज्यादा निकलेगी मलाई। बोले ना। हाँ। देखते हैं। आज जाएंगे अपना पूरा तोशा लेके, आज जाएंगे कि थोड़ा रुके। देखती हूँ बाद में। अभी उनका स्किन पे भी लगाना, वो सॉफ्ट होती है स्किन। मेरे फेस पे पता नहीं पिंपल्स आ रहे। इससे सॉफ्ट होती है। अरे महाज, तू मेरा बच्चा कहाँ से आ गया रे बाबा तू? देखो ये घर का रास्ता कौन बताया? अल्लाह कैसे पीठ के पीछे जाके डरा रहा है। अल्लाह डर गए, अब्बू डर गए। तो इसको अच्छे से हिला के पियो, इसमें मैंने काजू बादाम भी डाले। हाँ मुंह देखो, मुंह देखो। ए चुम्मी दे दो अब्बू, चुम्मी चुम्मी दे दो महाज। अब उसे डराने में लगे। देखो अभी कैसे लेना, अब दो अब्बू चुम्मी दो देखिए शबनम का मलाई कलेक्शन हो, माशाल्लाह माशाल्लाह एक नंबर यार। मैंने इतनी जमा करी हूँ मेरे बेटे के लिए, मेरे शौहर जी के लिए घी निकलेगा ना, मस्त पराठे में डाल डाल के खिलाने के लिए। अब ये पूरा भर जाएगा, और दो एक दिन या दो दिन बस पूरा फुल हो जाएगा, फिर जाते हैं अपन घी निकालने। यस यस। तो ये देख सकते हैं आप लोग माशाल्लाह। नहीं तो देखो इसको, मम्मा को सताना नहीं बिल्कुल। मोबाइल के लिए नाटक कर रहा था, उसके अब्बू ने थोड़ा सा चिल्लाए तो इधर जाके लेटा उनके पास। बिल्कुल अगर मम्मा को सताए तुमने तो समझ जाना, फिर बहुत मारूंगा, याद रखना आने के बाद। बिल्कुल मोबाइल का बस ज्यादा ना दे रहे उसको, समझे ना। कुत्ता सा है मोबाइल चाहिए, बुरा देखो कितना लगता है उसको, मैं मुंडी डाल के। हाँ वो देखो, नहीं बोल रही नहीं बोल रही, बहुत मस्ती आ रही क्या दिन पे दिन, लाड कर रहे तो। हाँ जरा देख अब्बू को, बहुत ज्यादा हंस रहा है, बहुत ज्यादा मस्ती आ रही क्या? नहीं लाड़ करने के तो बच्चे करते नहीं। बहुत अम्मी अब्बा लाड़ करते तो सीधा एकदम, याद रखना बिल्कुल। इधर देखो महा अब्बू को देखो, बिल्कुल बेटा इधर देख मेरा बच्चा। अरे 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 सुनो अब्बू की बात सुनो,
बिल्कुल मम्मा को सताएंगे नहीं तुम, समझे ना। कल ऐसे किया है, पूरा दिन मोबाइल मांग रहा था, एडिटिंग करने नहीं दे रहा था मेरा बच्चा। सुन ए, सुन ए महा, अभी दू फटका, दू एक फटका, फिर मोबाइल देख लिया, दू फटका। कब मांगता है, एक व्लॉगिंग करने के टाइम मांगता है और अपन जब एडिटिंग करने बैठते तब मांगता है। चल सो जा जल्दी, चल सो जा, चल जल्दी जल्दी से सो, एकदम सो जा गुड्डू, बिल्कुल तेरी आवाज भी नहीं निकलना, सो जा मेरे गुड्डू। तो मैं यहाँ पे गैलरी में कपड़े डालने आई हूँ, कपड़े डाल भी रही हूँ, और इसको देखो सर आओ चालू है, खेल रहा है, और देखें माशाल्लाह गुलाब आ चुका है झाड़ में, और मोगरे भी माशाल्लाह कितने सारे आए हैं, और ये मनी प्लांट भी है। तो अब इसको दूसरे प्लांट में लगाएंगे, महक के अपू ने इसमें लगा दिए, और पुदीना आया था, बाकी थोड़े ख़राब हो गए थे तो मैंने फेंक दी थी, तब इसको और अच्छे से कर देंगे। ये गुलाब तो देखो हो मस्त एकदम, कितना प्यारा लग रहा है ना। अब इसको देखूंगी और थोड़ा बड़ा हुआ तो ठीक, तो मैं निकाल के लगा लूँगी सर में अपने, ये भी निकाल लूँगी। और मैं यहाँ पे कपड़े डाल रही हूँ, महत बाबा खेल रहे, बाबा का कुछ बोलोगे। चलो मैं कपड़े डाल लेती हूँ फटाफट से। हाय हाय। देखो कैसा है, मैंने अभी पूरे कपड़े डाली और बारिश आ रही है और पूरे बादल काले हो गए, अब पूरे कपड़े फिर से निकालना पड़ेगा। चलो जल्दी कपड़े निकालते अल्लाह। तो देखे मुझे लगा था जब मैंने कपड़े उतारी उसके बाद फिर धूप आ गई थी, मैंने वापस कपड़े डाली, पूरा सत्यानाश हो गया, पूरी बारिश इतनी तेज़ आ रही है, बहुत तेज़ हो रही है बारिश, और मेरे पूरे कपड़े भीग गए। अभी जब हो जाएगी बारिश फिर वापस उसका अंदर ले लूँगी, और इतना पन्नी अन्नी डालने के बाद भी घर में पानी आ रहा है यहाँ से, तो यहाँ पे भी एमसील लगाना पड़ेगा, वहाँ पे तो रुक गया पानी, पर पतरे बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं ना इसलिए कुछ मतलब नहीं है, पता नहीं इतने पतरे कैसे टूट गए। तो देखो बारिश की वजह से आज ही लोग मेरे घर, भाईजान तो पहली बार ही चाहे। अरे बाप रे, तुम हमेशा आते हैं अकेले। ये हमारे सब्सक्राइबर है, ये हमारी फैमिली है, और देखो इसको कैसा मोबाइल उनके पास ही आया बैठा जब से, क्योंकि उनके पास मोबाइल है, और नाजू का जरा है। अभी तो तुम जहाँ बैठे वहाँ पानी आता है, पर अभी ऐसे यूट्यूबर अगर हर शहर में आए तो भाई रुक के होटल में पैसा खर्चा करने की जरूरत, सीधा घर पे करो, भाई जान के साथ खेल रहा है, उसको मोबाइल का दीवाना हो रहा है बेबी। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप सब, वेलकम हो गया आप लोगों का महत पापा की प्यारी सी दुनिया में। तो महत पापा तैयार हो के क्या खा रहे, काजू खा रहे, काजू खा रहे। और खेल रहे पाउडर के डब्बे से ना मम्मू, आई लव यू। बाल तो देखो कैसा बनाया हीरो हीरा लाल, मेरा मेरा कलेजे का टुकड़ा। आज तो फुल बारिश का मौसम है, फुल बारिश चालू है यहाँ पे, और पूरा घर में पानी पानी है, और ऊपर से पानी भी आ गया, तो देखो पानी कितना पीला पीला है, ऐसे ही हो रहा है यार, पीने का पानी भरे ही नहीं जा रहा है। और ये बोल रहा है सिर्फ इसको गोद में लेके बैठो, हैं सिर्फ गोद में लेके बैठो, तुमको पानी भर लेने दो मम्मा। तो मुस्कान उसको लेके बैठी है, मैं फटाफट पानी भर लेती हूँ। तो पानी भर के हो चुका है, और पानी भर के हुआ मैं नहा भी ली फौरन बारिश में, और मैं घर में आई, और देखो तो जब बहुत ज़्यादा तेज़ आई तो यहाँ से पानी आ ही रहा है, इससे पहले नहीं आ रहा था, पर बहुत तेज़ हो गई ना बारिश तब यहाँ से आ रहा है, और प्लस और एक्स्ट्रा जगहों से आने लग गया, जहाँ से नहीं आ रहा था वहाँ से आ रहा है। तो देख सकते हैं आप लोग पूरा पूरा पलंग भीग चुका है, अब हम लोग रात में कहाँ सोएंगे, हम लोग को कोई आइडिया नहीं है,
बहुत पानी आ गया, मेरे बच्चे के कपड़े पे भी आया और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता क्योंकि मैं पानी भर रही थी। मैंने अभी बस घर में घुसी नहा के तो मैंने देखी मेरे बच्चे के पूरे कपड़े भीग गए, पूरा सत्यानाश हो गया। मैं क्या ही बोलूँ अब, या अल्लाह। ये देखो एकदम ओवर एक्स्ट्रा, पता नहीं कहाँ से इतना पानी आ रहा है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा इतना अच्छा रहने के बाद भी। अब हम कहाँ सोना, मैं बच्चा लेके कहाँ बैठूँ, कहाँ उठूँ। ये एक जगह थी जहाँ पानी नहीं आ रहा था, मेरा बच्चा बेचारा, मेरी जान। अब उतना स्पेस है वहाँ पे बैठना उठना पड़ेगा, ये गया भैया, यहाँ तो बैठ उठ सकते नहीं है। अब बहुत गुस्सा आ रहा है मेरे को, बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा है। आगे वाले रूम में देखो तो दुनिया का पानी, कहाँ जाके सोऊँ मैं अभी बच्चा लेके, देखो कितना पानी। और किचन में देखो तो किचन पूरा बह रहा है। किचन दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, महान यहाँ ये देखो किचन, देखो तो किचन, या अल्लाह मैं तो परेशान। पानी पानी पानी, क्या करूँ मैं यार। ए मम्मू क्या करूँ मैं परेशान हो गई। मैं नहा वहा ली, मैं बारिश में ही नहा ली, है ना मम्मू, आज मम्मा ने बारिश में नहाने की। तो पानी बहुत ज़्यादा गिर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे तो मैंने गद्दे को फोल्ड कर दी यहाँ से क्योंकि गद्दा पूरा ख़राब ना हो जाए। और इसका किरकिर किरकिर तो चालू ही रहता सदा का। परेशान हूँ मैं बहुत ज़्यादा आज कि पूरे घर में पानी पानी पानी। यहाँ देखो तो यहाँ आधी रूम में देखो, आधी के रूम में देखो इतना पानी। यहाँ देखो तो यहाँ क्यों रो रहा है, गोद में तो ली हूँ ना। ये देखो यार मेरे अल्लाह, देखो पूरा घर में पानी पानी। क्या कर सकती हूँ मैं, बैठी रहूँगी, इतना जगह अब सूखा है, अब यहीं बच्चा लेके बैठती हूँ। तो इसकी खुशी देखो, इसके अब्बू काम पे से आ गए ना, 8:30 बज रहा है, आज लेट आए। और मेरे मोबाइल में बैलेंस भी नहीं था, व्हाट्सअप कॉलिंग कर रही थी पर इनका फ़ोन लग रहा नहीं था। और माँ के अब्बू ने लेके आए हैं आज सीख पराठा। तो चलो महाद अपन खाएंगे। या का डेली गुस्सा भी नाश्ता है, रंगीला चालू है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है लाने के लिए। हाँ और खाने के लिए भी। चलिए फिर, भूख बहुत जोर से लगी है, चलो निकालो। हाँ तुम्हें गले नहीं मिला, आ जा जल्दी से, अब उसे गले नहीं मिली बेटी, आ जाओ आ जाओ अब्बा अब्बा। तो हमारा खा पी के हो गया और हम खतरे की खिलाड़ी देख रहे थे और अब जा रहे हैं थोड़ा बाहर आटा लेने के लिए। हाँ आया, इसको देखो। और हमारा गद्दा तो भीग चुका है तो हमने अपना डेरा जमीन पे बना लिए, है ना मम्मू, है ना मम्मू। और मम्मू ये कब टोपी निकाल के फेंक दे, कोई भरोसा नहीं इसका, एक टोपी तो फेंक दिया इसने। हाँ क्या बात हो गई। हाँ तो आटे का पैकेट लेने का है, वो किचन में पानी गिर रहा था और सीख पराठा लेके आ गए थे तो खाली है। और मेरा कल से पेट भी थोड़ा दर्द हो रहा था। और तो देखो इनको, इनको कितनी ठंडी लग रही है, दवा भी ले लेंगे, मेरी भी आज तबीयत सही नहीं लग रही है, मौसम ठंडा है ना। तो चलो चलो चलते। तो ये देखिए बाहर क्लाइमेट ठंडा है, इसके लिए इसको ऊपर से शर्ट पहना है। देखो कितने नाटक इसके, देखो देखो बहुत बहुत शाना हो रहा महाद दिन पे दिन। क्या तो महाद के सारे कपड़े गीले हो चुके हैं तो उसकी ट्रैक नहीं मिली तो वो पीछे रहेगा वैसे भी। हाँ चलो आटा ले लेते हैं, एक एक किलो का भी मिल गया तो चलेगा क्योंकि आटा है बहुत ज़रूरी, खत्म हो गया अभी आटा। तो महाद के अबू वहाँ से मेडिकल से ले रहे हैं दवा, ओमी गोली गैस के लिए, उनको तो पेट दुख रहा है। और यहाँ पे मेरे ले रहे हैं शोरमा, पेट भरा था तो मैं बोली एक और शोरमा खा लेंगे और क्या, क्योंकि महाद दूध पीता है ना इस वजह से भूख लगती रहती है। तुमने तो पूरा पत्ते ही उठाए बार बार की खिड़की। अरे मेरे खुदा। आटा लेने के लिए
बारिश चालू हो गई है तो हम जा रहे हैं। हल्की हल्की रिमझिम चालू हुई है, बहुत पास नहीं हुई है तो जा रहे घर वापस से। तो हम घर आ चुके हैं और मेरा बेटा देखो माशाल्लाह तुम तो हीरो दिख रहे एकदम। हाँ का वो कुछ तो बोल रहा है, क्या हुआ? ऐसा गुस्सा मत करो, क्या बात है बोलो। मम्मा सुनती ना तुम्हारी सब बात? नहीं सुनती हूँ, नहीं सुनती मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनती। मैं नहीं सुनती कि तुम मेरी बात नहीं सुनते महद? ओ महद, अच्छा मेरा बच्चा, अच्छा सुन लो मम्मा की बात सुन लो, आओ गले लग जाओ मम्मा के। नहीं लगोगे? हाँ लियोड़े गुस्सा रहे, नहीं मम्मा के गले नहीं लगोगे, गले नहीं लगोगे। अच्छा आ जाओ, उसको ना सब निकालने के, उसको नहीं जमता ये सब। अच्छा आओ आओ गले लग जाओ, गुस्सा हो गए, गुस्सा हो गए। क्या हो गया, क्या हुआ? चुम्मी दे दो मम्मा को, हाथ पे चुम्मी दे दो, हाथ पे चुम्मी दे दो, हाथ पे मम्मा के चुम्मी दे दो, चुम्मी दे दो मम्मा, चुम्मी दे दो मम्मा के हाथ पे। अम्मा चुम्मी दे दो मम्मा के हाथ पे। अरे मेरा बच्चा चुम्मी दे, मैं दूँ आपके हाथ पे चुम्मी? मैं दूँ? नहीं दूँ, नहीं अभी नया सीखा, नहीं। देखो बोलो और पप्पी लो। तो देखे गादी पूरी गीली है और वहाँ पे फंका नहीं है तो वहाँ पे मच्छर बहुत काटेंगे, तो ये एक एक्स्ट्रा ब्लैंकेट है तो यही गादी के ऊपर डाल देंगे क्योंकि गाड़ी भीग चुकी है, अब कैसे भी सोना ही पड़ेगा यार, बड़ा मसला हो गया यार। काय करते तुम्हें भूल न जाना मेरे कुर्बानी का फर्ज निभाना, मेरे दूध का कर्ज निभाना। नहीं मेरी कुर्बानी है तुम्हारा, वो कर्ज तुम्हारा है, मेरी खाली कुर्बानी है। गिल्ले में सो रहा ना? अच्छा कुछ गिल्ले में नहीं सो रहे भैया, डाल दिया आपकी तरफ ये अर्चना। भाई हम लोग का खाना पीना हो चुका है और हम लोग अभी बैठे थे तो फटाक से हम लोग ने इसके ऊपर ब्लैंकेट डाल दिए क्योंकि ऊपर गीला था और नीचे पंखा नहीं है, इस वजह से हम लोग नीचे नहीं सोए। तो मच्छर लोग नोच लेते पूरी रात भर। हाँ और फटाफट ब्लैंकेट डाल दिए, महाद को पीछे सुला दिए एंड हम लोग भी अभी जाएंगे बस सोने के लिए। और अभी इस वक्त हो रहा है रात के 11:30, आज हम लोग जल्दी सो जाएंगे इंशाल्लाह, मौसम ठंडा है नींद आ रही है। तो अभी इस वक्त हो रहा है 11:30 और बाहर हम लोग का मतलब थोड़ा घूमने का इरादा था बट बारिश रिमझिम चालू थी इसके लिए हम लोग घर पे आ गए। मैं बोला जाने दो फिर है कि नहीं, बारिश चालू है इसके लिए फिर हम लोग आ गए घर पे और पानी टपक रहा ऊपर से मेरे पीठ पे टपका भी घर में। क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा। अरे हर एक चीज कर लिया यार, हर चीज अपना लिया, अब क्या करूँ इसको। आज तो मेरी सी हट गई ना, इतना पानी आ रहा था घर के अंदर एकदम जान जल गई मेरी। क्या कर इस पे प्लास्टिक मार दूँ क्या पूरी? कुछ भी करो यार पर पानी रोको, मैं छोटा बच्चा लेके मैं कहाँ जाऊँगी, कितना यार क्योंकि इतना ही स्पेस बच रहा है सूखा, पर वहाँ भी पानी कब आएगा जब वहाँ से आएगा पूरा तब यहाँ पे भी आ सकता। वही देखते हैं अभी कुछ ना कुछ और तरकीब लगाना ही पड़ेगा क्योंकि ये पानी बाबा रुकेगा नहीं और रेड़ भग जाएगी जब तक के। और अभी महाद का बर्थडे भी आने वाला है और सब लोग मेहमान भी आने वाले, तो बस्तरी है तो देखेंगे इंशाल्लाह। मैं करता हूँ कुछ ना कुछ जुगाड़ करता हूँ अभी इसका, एक तो प्लास्टिक ठोक दूंगा ऊपर पूरी टेरिस पे, नहीं तो इसको पूरा भर दूंगा सीमेंट से, तो दोनों काम एक साथ कर दूंगा, प्लास्टिक भी ठोक दूंगा सीमेंट भी भर दूंगा। और देखते हैं इनकी कब छुट्टी रहती कब करेंगे ये। हाँ और आगे के भी उसमें जो प्लास्टिक थोड़ी बची है ना वो प्लास्टिक लाके ऐसा डाल दूंगा, तो देखते हैं अभी वो सब। खैर बात की बात है, अभी तो फिलहाल आज का मसला है
सोने का, क्योंकि हाजी पानी टपक रहा है। तो देखेंगे जैसा तैसा रात गुजर बसर कर ही लेंगे, है ना, तो देखते हैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, आज का हमारा दिन ही समाप्त होता है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थोड़ा सा ब्रेक, नींद में है ना इसलिए कुछ भी बोल रहे नहीं। तब तक के लिए लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहना और हमारे वीडियो को। और आज का हमारा जो भी था डेली रूटीन था, क्योंकि आज बारिश की वजह से कहीं गए नहीं हम, और ना ही मैंने कुछ बनाई थी तो मैंने रेसिपी नहीं बताई। इंशाल्लाह कल ज़रूर ट्राई करेंगे। तो चलिए ठीक है इंशाल्लाह, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में गाइस। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर।